ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन पुलिस लगातार नशे को जड़ से उखाड़ने का प्रयास कर रही है और वो इस लक्ष्य को पाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की टीम ने दिन रात एक कर दिया है, जिसका नतीजा है कि जनवरी से अब तक एनडीपीएस एक्ट में 85 मामले दर्ज किए गए हैं और 80 नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया गया है। सोलन पुलिस लगातार नशे को जड़ से उखाड़ने का प्रयास कर रही है और वे इस लक्ष्य को पाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की टीम ने दिन रात एक कर दिया है, जिसका नतीजा ये है कि जनवरी से अब तक एनडीपीएस एक्ट में 85 मामले दर्ज कर 80 नशा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा की माने तो उनकी टीम ने जगह जगह अपने गुप्तचर सक्रिय हैं, जो हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों का भी बेहद सहयोग मिल रहा है और अगर ऐसा सहयोग मिलता रहा तो वे जल्द ही नशे की जड़ों को सोलन से उखाड़ सकते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने बताया कि वे जनवरी से अगस्त माह तक चिट्टे के 36 मामले दर्ज कर चुके हैं, जिसके तहत उन्होंने 467 ग्राम चिट्टा पकड़ा है और 48 भारतीय मूल, 5 नेपाली तथा 4 विदेशी मूल के तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि सोलन के लोग बेहद जागरूक हैं, जिसके सहयोग से वे ये सफलता हासिल करने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने ये खुलासा किया कि ज्यादातर पकड़े गए तस्कर युवा हैं, जो खुद नशेड़ी भी हैं और नशे की लत को पूरा करने के लिए वे आगे युवाओं को भी ये नशा बेचते हैं। उन्होंने सभी परिजनों को सतर्क किया है कि वे अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें। उन्होंने कहा कि सोलन पुलिस प्रयास कर रही है कि सोलन में नशा निवारण केंद्र जल्दी बने, ताकि नशे की दलदल में फंसे युवा नशे के चंगुल से बाहर निकल सके। उन्होंने सोलन में नशा निवारण केंद्र बनने की संभावना भी जताई है कि सोलन पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है और उसमें चिट्टे के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, तो इस वर्ष अब तक चिट्टे में सोलन पुलिस ने 36 केसेस जो हैं वो पकड़े हैं, उसमें 467 ग्राम 467 ग्राम 799 मिलीग्राम चिट्टा जो है वो बरामद किया है और इस अभियान में 48 भारतीय, 5 नेपाली और 4 जो विदेशी मूल के नागरिक हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। जहां तक नशे का एनडीपीएस एक्ट का ताल्लुक है तो अभी तक सोलन पुलिस ने 55 केस रजिस्टर किए हैं, जिसमें 80 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। मेरा सोलन की जनता से अनुरोध है कि वो हमारा साथ देते रहें और हमें सूचना दें। हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि नशे को जड़ से खत्म करते हैं। जो युवक हमने ज़्यादातर पकड़े हैं वो खुद भी लेते हैं, नशा करते हैं, नशेड़ी भी हैं और नशे को बेचते भी हैं और उस बेचने से जो कमाई होती है उससे अपने नशे का गुजारा करते हैं। समय समय पर अभिभावकों से बात भी करते हैं, उनको आगाह भी करते हैं और जो हमारे यहाँ के शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें जाके हमारे पुलिस के अधिकारी जो हैं वो लेक्चर भी देते हैं और हम जो पेरेंट्स हैं उनसे भी संबंध उनसे भी लगातार संपर्क में रहते हैं और जो बच्चे इस नशे में फंस रहे हैं उनके पेरेंट्स से भी बात करते हैं। नशा निवारण का जो प्रबंध है, जो डिडिक्शन सेंटर है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही निकट भविष्य में इसमें भी हम सफलता प्राप्त करें।